दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दांत हमारे व्यक्तित्व में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका साफ चमकदार होना और स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यह हमें एक ऐसा आत्मविश्वास देते हैं जिससे हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे घरेलू उपचारों के बारे में जिसके माध्यम से आप अपने दांतों को न सिर्फ स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं, साथ ही साथ इन्हें हेल्दी रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका जड़ी बूटी परिवार में। तो दोस्तों, जो सबसे पहला नुस्खा है वो हमारे घर में पाए जाने वाले एक बहुत आम मसाले के साथ है, जिसे हम तेजपात या तेज पत्ता कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तेजपात के सूखे पत्ते लें और उन्हें पीसकर एक चूर्ण जैसा बना लें। हर 3 दिन में उसका प्रयोग करें मंजन की भांति और उसे उंगली से अपने दांतों पर अप्लाई करें, दांतों पर उससे मंजन करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में जो आपके दांतों की जड़ों के पास जो कैविटी या फिर जो पीले रंग का पदार्थ जमा हो जाता है वो निकलने लगा है। आपके मसूड़ों ने आपके दांतों को अच्छे से पकड़ा है, ग्रिप एक अच्छी कर दी है और आपके दांतों में निखार आने लगा है। इसी तरीके से आप एक और मंजन घर में बना सकते हैं जो आप घर में मिलने वाली हल्दी और फिटकरी के माध्यम से बना सकते हैं। इसके लिए आप 50 ग्राम पिसी हल्दी लें और उसमें 5 ग्राम भुनी फिटकरी मिला लें। इन दोनों को मिलाने के बाद आपका मंजन तैयार है। आप इस मंजन को उंगली की सहायता से अपने दांतों पे करें और देखेंगे आप धीरे धीरे कि आपके दांत पहले से ज़्यादा चमकदार होने लगे हैं। अगर उसमें किसी भी तरीके कोई दाग धब्बे हैं जो तंबाकू खाने से या फिर किसी अन्य वजह से आपके मुंह से बदबू भी आती है तो इसको भी दूर करने में ये मंजन काफ़ी सहायक है। दोस्तों, दांतों को चमकदार बनाने के लिए जो अगला नुस्खा है वो भी एक घरेलू नुस्खा है। इसके लिए आप क्या करें, सेब का रस ले लें तकरीबन 50 ml और उसमें तकरीबन 3 से 4 ग्राम की मात्रा में खाने वाला सोडा मिला दें। उस लिक्विड को जब आप उंगली की सहायता से अपने दांतों पर मालिश करेंगे तो आप उसके आपको 2 लाभ मिलते हैं। पहला, जो आपके दांतों पर एक पपड़ी जैसी जम जाती है वो उसे दूर करता है, साथ ही साथ अगर आपके दांतों की जड़ों से खून आता है तो वो उसमें भी बहुत सहायक है। और खून आने की अवस्था में आप इसी लिक्विड से कुल्ला कर सकते हैं, जिसे 5 से 10 मिनट अपने मुँह में रखिए, अच्छे से जिसके गार्गल कीजिए और फिर उसे थूक दीजिए, तो आप फिर देखेंगे कि इस तरीके से आपके दांतों में खून की शिकायत और दांतों पर जमी हुई पपड़ी भी दूर हो जाती। दोस्तों, अगला नुस्खा है जो बहुत ज़्यादा काम का है, जो आपके 2 या 3 बड़े लक्षणों में आपके लिए बहुत सहायक है। यदि आपके मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है, आपके दांतों से खून आता है या फिर उसमें किसी भी तरीके की कोई गंदगी जमा है, इसके लिए आप अखरोट की छाल ले लें और जिस तरीके से हम नीम की दातून का प्रयोग करते हैं उस तरीके से आप उस छाल को दातून की तरह इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि न सिर्फ आपके दांतों से खून आना बंद हो गया है, उन पे जमी गंदगी दूर हो गई है, साथ ही आपके होठों को भी गुलाबी बनाता है। तो ये भी एक प्राकृतिक उपचार है जो आप कर सकते हैं अपने दांतों को सुंदर बनाने के लिए, साथ ही साथ अपने होठों को आकर्षक बनाने के लिए। दोस्तों, इसी तरीके के कई आयुर्वेदिक नुस्खे जो हमारे दांतों को लेकर हैं अपने अपनी पुस्तक द बेस्ट 101 आयुर्वेदिक नुस्खों में उसका जिक्र किया है। उस पुस्तक को फ्री पाने के लिए आप हमारा ये वीडियो देखें। दोस्तों, आयुर्वेद पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लाना हमारा प्रयास है। यदि आपके जीवन में किसी भी तरीके से आयुर्वेद या जड़ी बूटियों का महत्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।